नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार फिर से आज आपके लिए आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसमें जो कुछ मैंने अच्छे से सवाल इंक्लूड किए हैं, जो बड़े सवाल हैं उनको थोड़ा इग्नोर किया है मैंने। ठीक है साथियों, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, महाउदय संधि कीजिए। इसमें संधि पूछी है क्या होगी, तो आप समझते होंगे महाउदय इसमें आ और ऊ मिलने के बाद महोदय बन जाएगा। आ प्लस ऊ मिलने के बाद जब ऐसा होता है तो ओ बन जाता है। ठीक है साथी, और इसमें गुण संधि होती है, ये आपको याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। देखिए साथी, इसमें एक आपकी यहाँ सद्भावना ऐसी चीज़ आती है तो ऐसे उसमें दया का तय होता है रियल में, तो ठीक है ना, ये सद्भावना होगा इसका सही संधि विच्छेद, और ये व्यंजन संधि है एक। ठीक है चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा सवाल है ये भी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, जो वाक्य के अंदर प्रयुक्त होते हैं उनको पद बोलते हैं साथियों। ठीक है, क्या बोलते हैं? पद। चलिए जी, ये तो 62 तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार में ही पढ़ के समझ जाओगे। इस खाली स्थान में बढ़ना है, बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान आएगा, कोई सुन लेगा, जोर से बोलो कोई सुन लेगा, गाकर चीख कर धीरे। देखिए इसमें धीरे शब्द आएगा साथियों, ऐसे ही तो कहते हैं धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ठीक है ना, तो इसके अंदर धीरे शब्द आएगा। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 63 देख लेते हैं एक बार। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। देखिए वाक्य में जो शब्दों का क्रम निर्धारित होता है वो पद क्रम के आधार पर होता है। ठीक है ना, जैसे पहले कर्ता आएगा, फिर उसके आगे क्रम आएगा या क्रिया आएगी, कैसे जैसे भी वो पद क्रम के आधार से होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वनवास में कौन सा समास है। देखिए बहुब्री नहीं होगा इसमें, बहुब्री होता है जो तीसरे सब मतलब तीसरी वस्तु की तरफ इशारा करता है, तत्पुरुष समास होगा इसमें साथियों। ठीक है, अवक्रमधारी भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। द्वंद्व वो होता है जिसमें दोनों दोनों पद प्रधान होते हैं, क्रमधारी में पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसके अंदर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, समास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए साथियों, अगर आप जानते हैं द्विगु समास होता क्या है तो आप आसानी से सही आंसर लगा पाएंगे। द्विगु समास में प्रथम जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, और सप्ताह यानी कि 7 दिन, ठीक है ना, सप्त है ना, 7 आ रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, ये भी काफ़ी अच्छा है। द्वंद्व समास नहीं है, इसने कहा इसमें ढूंढना है कि द्वंद्व समास नहीं है। देखिए सबसे पहले आप परिभाषा देखिए, द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे सुख दुख ये भी आपका द्वंद्व समास है, पाप पुण्य ये भी दोनों ये भी द्वंद्व समास है, रात दिन ये भी है, और मतदाता ये आपका द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है साथियों, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और इसने कहा द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका होगा मतदाता, बाकी सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका, तरंग का पर्यायवाची है साथियों। तरंग का पर्यायवाची, जी हाँ, तरंग का पर्यायवाची उर्मी होता है। ठीक है, सीण माने कमजोर होता है, काया त्वचा होती है। ठीक है, तो उर्मी आपका तरंग का पर्यायवाची होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, सूरज का पर्यायवाची क्या है। देखिए साथियों, सूरज का पर्यायवाची दिवाकर भी होता है, आदित्य भी, भास्कर, दिनकर, बहुत सारे नाम होते हैं सूरज के, तो इसके तो उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है साथियों, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी साथियों, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, भंवरा का पर्यायवाची है। देखिए भंवरा जो होता है आप जानते होंगे, जो फूल के ऊपर आता है उसको भ्रंग भी बोलते हैं, भंवरा उदाहरण भ्रंग भी होता है। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनाज का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, अनाज का पर्यायवाची सस्य भी होता है। दाढ़ी अनार को कहते हैं, ठीक है, घोटक घोड़ा कहा जाता है, अवलंब आप समझते हैं देर वाला, तो और इसका जो उदाहरण होगा मतलब इसका पर्यायवाची होगा ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है 70 से 73 तक, विलोम शब्द छाटने हैं। देखिए साथियों, विलोम शब्द देख लेते हैं, पहला है आपका निंदा, निंदा का उल्टा क्या होता है। जी हाँ साथियों, पहले तो अर्थ समझिए, निंदा करने का अर्थ क्या होता है, निंदा होती है किसी की पीठ पीछे बुराई करना, वो निंदा कहलाता है। ठीक है, तो उसका विलोम होगा स्तुति करना,
स्तुति तो आप समझते ही होंगे, यानी कि एक प्रकार से उसकी बड़ाई करना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ये भी विलोम शब्द ही है। शयन, शयन का अर्थ क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए, तभी तो हम उसका विलोम बता पाएंगे। विलोम इसका शयन का अर्थ होता है सोना, और सोने का उल्टा क्या होगा, जागना, यानी कि जागरण करना, ठीक है। तो इसका विलोम आपका जागरण होगा। नेक्स्ट है आपका स्वाधीन। देखिए साथियों, स्वाधीन का विलोम हम तभी ढूंढ पाएंगे, सबसे पहले देखिए स्वाधीन का अर्थ क्या होता है। स्वाधीन होता है सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड यानी कि जो स्वतंत्र होता है, ठीक है साथियों। और उसका उल्टा होगा आपका पराधीन, जो किसी और पर डिपेंड करता हो, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कई बार देख चुका हूँ उसे। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्य के लिए शब्द है। जो संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, यानी कि रात शुरू होने वाली हो, उसको बोलते हैं गोधूली। याद रखना है ये गोधूली। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ है एक बार, मेरे याद है। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष की इच्छा करता है, करने वाला होता है, उसके लिए शब्द होता है मुमुक्षु, ठीक है साथियों। मुमुक्षु ये ए ऑप्शन होगा इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझना है इसमें। इसमें है कि वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध शब्द है वो उसको गलत दिखाना है, मतलब उसको छांटना है। चलो चार ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, ध्यान से देखना आपको भी। वह कवि जो तत्काल कवि करता हो, तत्काल कविता करता हो, जो मतलब किसी भी चीज़ को देख कर तुरंत उसके बारे में कविता कर देता हो, उसको अशुकवि कहते हैं, जी हाँ ये राइट ऑप्शन है। दूसरा है जो शिव की उपासना करते हैं, शिव, जी हाँ उनको शिव भी बोलते हैं। आलोचना करने वाला आराधक, जी नहीं, आलोचना करने वाला आराधक नहीं होता, वो होता है आलोचक, तो ये गलत ऑप्शन है। जो बहुत बोलता है वह उसे वाचाल ही बोलते हैं। इसने अशुद्ध छाटने के लिए कहा था, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। आराम शब्द है, देखिए साथियों आराम एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना है आपको। जो भी शब्द हमें ऐसा लगता है ना उर्दू का है, उर्दू एक मतलब लिपि है, उसकी जो भाषा है वो अरबी है, याद रखना, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है ये। 78 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ये तत्सम शब्द की परिभाषा है साथियों, ठीक है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको याद रखना है, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों रख लिए गए, उनको तत्सम बोलते हैं। तत्सम का अर्थ यही होता है तत् प्लस सम, ठीक है साथियों। थोड़ा सा यहाँ शोर है, साइड में गाय रंभा रही है, ठीक है, गाय के लिए शब्द आता है रंभाना, तो आपको इग्नोर करना है उस चीज़ को। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। कर्पण शब्द है, देखिए साथियों कर्पण एक तत्सम शब्द ही है, ठीक है, याद रखना है आपका कर्पण तत्सम शब्द है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका अप्रत्यय सवाल है, कुछ प्रत्यय और उससे उपसर्ग से। गुड़िया में प्रत्यय है, गुड़िया में साथियों इया प्रत्यय होगा, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। गुड़ प्लस इया, मात्रा नहीं आएगी, मतलब छोटी ई होगी, ठीक है साथियों। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग छाटने के लिए जब हम ये देखते हैं, तो दोनों शब्द आपके अलग अलग होने के बाद दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है ना, तो वो प्रत्यय या उपसर्ग होता है, तो इसमें इया प्रत्यय होगा। नेक्स्ट आपका बनावट, तो क्लियर सा आप देख रहे होंगे, बन प्लस आवट, ये इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो आवट होगा, वट मत लगाना ना टह लगाना, ठीक है ना, क्योंकि बन का एक बन एक अलग शब्द बनता है, ठीक है। चलिए जी चिकनाहट, ये भी चिकनाहट में भी आठ प्रत्यय होगा, ठीक है साथियों, इजी सही है ये तो। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें उपसर्ग पूछा है अभियान में, इजी सही है, अभियान में अभिप्रत्यय होता है, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए, पढ़ लेते हैं एक बार निर्देश। 86 यानी कि 84-86 तक करना है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थ शब्दों में से गलत का चयन करना है, मतलब इसके चार ऑप्शन हैं, इनमें तीन में से एक जैसे हैं समानार्थ वाले हैं, और एक उनके जैसा नहीं है, ठीक है साथियों। पिछली वीडियो में खग आया था, खग का अर्थ देखिए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। खग का अर्थ बाण भी होता है, पक्षी भी होता है, मर्ग नहीं होता, ये सॉरी गंधर्व नहीं होता, मर्ग होता है, ठीक है। तो खग का जिसने कहा कि गलत का चयन कीजिए, वो आपका ऑप्शन रहेगा गंधर्व, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट आपका 85 देख लेते हैं। अब्ज, देखिए साथियों अब्ज का अर्थ क्या होता है, अब्ज संघ के लिए प्रयुक्त होता है, ये अनेक अर्थी शब्दों में मिलेंगे साथियों आपको। कमल भी बोलते हैं अब्ज को, कपूर भी अब्ज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कलंक ये अब्ज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इससे तो कुछ ना कुछ लिंक मिलता ही है यार पेपर में। ठीक है, कनक के लिए कौन सा शब्द नहीं होता? हमें मालूम है किरण नहीं होता। कनक की जो परिभाषा में मतलब कनक का जो अर्थ होता है वो सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है। तुमने वो भी पढ़ा होगा कनक कनक ते सोगुनी, तो उसमें सोना और धतूरा की बात आती है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अब दो तीन ये लोकोक्तियाँ हैं, ध्यान से नोट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इन्हें क्लियर कर लिया है। अधजल गगरी छलकत जाए, देखिए इसका अर्थ भाव मतलब शब्द अर्थ क्या है। अधजल आधी जल, यानी कि आधे जल से भरी गगरी का मतलब घड़ा मान लीजिए आप, या कोई पात्र मान लीजिए। छलकत का मतलब वो छलकता रहता है, आवाज़ करता रहता है। तो इस लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है? देखिए साथियों, तुमने देखा होगा बहुत सा व्यक्ति कम जानता है या कम योग्यता रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत बोलता रहता है, तो उसको बोलते हैं डींग मारना, डींग मारना या डींग हाँकना। ठीक है, पानी का बर्तन लेकर लापरवाही करना ये सब गलत है। ठीक है, ये इसका सही है डींग हाँकना। तो उसको क्या बोलते हैं? अधगल गगरी छलकत जाए। तुमने देखा होगा ना बहुत सा व्यक्ति कम योग्यता रखने के बावजूद भी अपने आप को बहुत योग्यतापूर्ण दर्शाना चाहता है, तो वो ऐसे ऐसे ही बोलता है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका 88 से 89 के लिए कहावतें हैं, उनका अर्थ बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लिए कर लेना इसे, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें। मखमली जूते मारना, देखिए साथियों अच्छा कितना अच्छा है ये। मखमली जूते का मतलब होता है, मखमल तो समझते होंगे तुम, बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है मखमल, उसके जूते मारना। देखिए मखमल के जूते तो बनते नहीं है, उसका अर्थ क्या होता है? देखिए आप शायद कन्फ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना, व्यंग करना जी नहीं, व्यंग करना नहीं होता इसका अर्थ। विद्वान का अपमान करना भी नहीं होता, सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना भी नहीं होता। इसका अर्थ होता है, बहुत सा तुमने देखा होगा, इतना बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि इंसल्ट भी करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातों से करते हैं। याद होगा आपको, अगर आपकी गलती पे अगर वे इंसल्ट भी करेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, मधुर मधुर बातें कहेंगे, लेकिन आपका हमारी इंसल्ट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो उसको कहते हैं मधुर बातों से लज्जित करना, वो होता है मखमली जूते मारना। बहुत अच्छा उदाहरण है, याद रखना है मधुर बातों से लज्जित करना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये अक्सर हम कहावत इस्तेमाल करते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। साथियों इसका अर्थ होता है, देखिए बंदर के लिए अदरक भी सही ये भी नहीं है, बंदर को खांसी जुकाम नहीं होता ये भी नहीं है। इसका ये है, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता। ठीक है ना साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि इसका क्या वैल्यू है, क्या अर्थ है इसका। ठीक है, तो उसके लिए ये कहा जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है साथियों, तो इसका सी ऑप्शन होगा। तो बस साथियों इस वीडियो में इतना ही था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए, काफ़ी कम समय बचा हुआ है अभी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।